हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, जो वाटर विंग के BSF वाटर विंग का जो फॉर्म का मतलब फॉर्म भरे थे और उसके बाद में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम कब हुआ था देख सकते हैं दोस्तों, 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है BSF की तरफ से। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफिशियल रिजल्ट है। इस जो वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगा, कितनी कट ऑफ हुई है और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पूरी A to Z आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने किसी भी तरीके का फॉर्म भरा है BSF से रिलेटेड, या SSB से, या CISF से, या मतलब CRPF से, किसी से मतलब पैरामिलिट्री फोर्स से, किसी भी तरीके का आपने फॉर्म भरा है, तो आप इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल पर आती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, जो भी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वही इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है, एक या दो दिन में मतलब आती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती। चल करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। और एक एक बात और, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, आपका जो रिजल्ट है पब्लिश कर दिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, 28 तारीख में मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा कि 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं, इसमें जो पोस्ट जो कौन कौन सी थी, SI मास्टर की पोस्ट थी, SI इंजीनियर ड्राइवर की पोस्ट थी, SI वर्कशॉप की थी, हेड कॉन्स्टेबल मास्टर की थी, ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल इंजीनियर की थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप की थी, और CT क्रेव थी यहाँ पर, और BSF वाटर विंग के थ्रू जो ये फॉर्म आए थे, ठीक है। और एक महीने बाद ही इनका जो एग्ज़ाम ले लिया गया था, शायद जून जून में ही जो इनकी लास्ट डेट थी, और अगस्त में मतलब जो अगस्त में इनका एग्ज़ाम करा लिया था, जून में निकले थे फॉर्म ये, और अगस्त में जो इनका एग्ज़ाम करा लिया गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड वाइज जो यहाँ पर कट ऑफ लगी हुई है, और यहाँ पे कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं लगी हुई है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज लगी हुई है और ट्रेड वाइज लगी हुई है कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये SI मास्टर की जो है 41 पे गई है UR की, और EW में से कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पर। OBC की 53 पे गई है, और SC की यहाँ पर 36 पे गई है, और ST की 38 पे गई है। और दोस्तों हाँ, ये फाइनल सेलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद में आपका जो है फिजिकल भी होगा, मतलब जो भी शायद फिजिकल तो हो चुका है यहाँ पर, अब शायद मेडिकल होगा। तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, एक बात और, इसमें जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 2.5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि किसी ट्रेड में 2 वैकेंसी है, तो उस 2 वैकेंसी के लिए यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो SI की होगी यहाँ पर, और SI ED मतलब इंजीनियर की होगी यहाँ पर, UR की 36 पे लगी थी, और EWS कोई वैकेंसी नहीं थी, 39 की लगी है OBC पे, OBC की लगी है यहाँ पर, और SC की लगी है 33 पे, और यहाँ पर ST में कोई वैकेंसी नहीं थी। SI वर्कशॉप में है, 79 पे लगी यहाँ पर UR की, 71 पे लगी है EWS की, EWS की वैकेंसी थी यहाँ पर, और अदर कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। और अब जो आ जाती हेड कॉन्स्टेबल मास्टर की, 41 पे लगी UR की, और 37 पे लगी थी यहाँ पर EWS की, और EWS यहाँ हो गई है, ठीक है। OBC की लगी थी 35 पे, और यहाँ पर SC की 40 पे ऊपर चली गई थी OBC से, और यहाँ पर ST की लगी है 33 पे, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पर जो सारी पोस्ट हैं, जो यहाँ पर ये देख सकते हैं वर्कशॉप की, हेड कॉन्स्टेबल की, तो आप देख सकते हैं इनमें जनरल में वैकेंसी थी और कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। सिटी क्रो में काफ़ी वैकेंसी थी, तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हो भी गए हैं। यहाँ पर 41 पे जनरल की लगी है, और EWS की 48 पे लगी है, और 64 पे OBC की लगी है, 56 पे SC, और यहाँ पर ST की 54 पे लगी है। तो दोस्तों, ये थी कट ऑफ, आपने देख ली होगी कट ऑफ। तो इसके बारे में मैंने कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया है, और इसके नीचे जो है जो कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, और हाँ, ये जो 3 कैंडिडेट्स है, ये मतलब कुछ भ्रष्टाचार के उसमें पकड़े गए हैं, तो उनका जो रोल नंबर भी यहाँ इन्होंने BSF वालों ने दे दिया है। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि BSF काफ़ी फास्ट काम कर रही है। देखो, फॉर्म भरने के एक महीने बाद जो आपका एग्ज़ाम ले लिया गया, और उसके एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिजल्ट के साथ में इन्होंने आंसर की दी है, और नीचे जो आंसर की है आप देख सकते हैं। और यदि आपको जो ये फाइल चाहिए, तो आप हमारे कमेंट में करके अपना जो ईमेल ID भेज सकते हैं, और मैं आपके ईमेल ID पे मेल कर दूंगा, ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये 29 तारीख में रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं SI मास्टर की, SI मास्टर में आप अपना रोल नंबर चेक कर सकें। मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ, यदि आपने फॉर्म भरा है ये, तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं इसमें, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, और यहाँ पर SI इंजीनियर ड्राइवर की हैं,
तो इसमें ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, एसआई वर्कशॉप के यहाँ पर। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को और लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी बच्चे ले गए हैं इसमें, क्योंकि 2.5 गुना बच्चे तो वैकेंसी भी ज़्यादा थी इसमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको हेड कॉन्स्टेबल इंजीनियर ड्राइवर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रोल नंबर, वीडियो को रोक करके। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप की आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों वीडियो को देख करके रोक करके आप अपना रोल नंबर आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड वाइज कारपेंटर की यहाँ पर वैकेंसी थी, देख सकते हैं आप कारपेंटर की, आप अपना देख सकते हैं यहाँ पर प्लम्बर की नीचे यहाँ पर, ठीक है। और सबसे लास्ट में सिटी क्रो, इसमें काफ़ी वैकेंसी थी तो काफ़ी बच्चे भी लिए गए हैं, शायद 130 वैकेंसी के आसपास थी तो इसमें काफ़ी बच्चे लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे ये रही आपकी आंसर की, आंसर की भी आप देख सकते हैं एसआई की मास्टर की आंसर की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप पे जो है कौन सा सेट आया था, ए या बी सी या डी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर इन्होंने दे रखे हैं। तो इसी तरीके की जो हर ट्रेड की जो इन्होंने आंसर की भी साथ में पब्लिश कर दी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर, यदि आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो ज़रूर आपके लिए ये यूजफुल होगी। और दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाना हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, आपको एक भी यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।